हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल में। जी हाँ, आज हम लोग रिलायंस जियो फोन 3 के बारे में बात करेंगे और उसके स्पेसिफिकेशन को जानेंगे। इससे पहले अगर आप भी नई जानकारियों में रुचि रखते हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलते हैं हमारे वीडियोज की ओर और जानते हैं जियो फोन 3 के स्पेसिफिकेशन को। जियो फोन 3 में स्टोरेज 64GB की होगी, कैमरा इसकी 5MP होगी, बैटरी की बात करें तो इसकी बैटरी 2800mAh की बैटरी होगी। इसके डिस्प्ले की बात करें तो इसके डिस्प्ले 12.7 सेंटीमीटर की होगी। रैम की बात करें तो 2GB रैम इसमें होगी। फ्रंट कैमरा की बात करें तो 2MP की फ्रंट कैमरा होगी। बैटरी की बात करें तो 2800mAh की बैटरी होगी। इसकी रैम 2GB की होगी और रियर कैमरा 5MP की होगी। ये रिलायंस जियो फोन 3 जो है उसकी ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड भी 8.1 ओरियो बेस्ड होगी और सिम स्लॉट डुअल सिम दोनों GSM और GSM होगी। मॉडल का नाम तो आपको पता ही है, जियो फोन 3 होगा। और इसका लॉन्च डेट कब लॉन्च होगा, तो इसका लॉन्च डेट नज़दीक है, वो भी 24 अप्रैल 2020 तक इसके लॉन्च होने की संभावना है, जो कि अभी तक अनऑफिशियल है, जो कि सूत्रों से पता चला है। और इसके नेटवर्क की बात करें कि कई सारे चीज़ों में बताया जा रहा है कि ये 5G नेटवर्क बेस्ड होगी, मगर अभी इसके बारे में कंफर्म नहीं हुई है, मगर इसमें 4G 3G और 2G अवेलेबल जरूर होगी। जैसा कि सारे फीचर्स जो कि अभी 3G मोबाइल्स में आती हैं सब इस मोबाइल में इनबिल्ट होगी। और इसकी ऑडियो जैक जो होगी वो 3.5mm जो नॉर्मली हर एक मोबाइल फ़ोन में आती है, जो कि जियो फोन 2 में भी थे। प्रोसेसर की बात करें तो इसकी प्रोसेसर मीडिया टेक होगी, इसकी रैम 2GB रैम होगी। कलर की बात करें तो कलर वेरिएंट चेंज कर सकता है, कलर ब्लैक भी हो सकता है और कई प्रकार के कलर इसमें दिख सकते हैं। डिस्प्ले की बात करें तो IPS LCD होगी और स्क्रीन रिजोल्यूशन की बात करें तो 720x1280 पिक्सल होगी। पिक्सल डेंसिटी की बात करें तो 294 PPI इसकी पिक्सल डेंसिटी होगी। अब आते हैं स्टोरेज पर, तो स्टोरेज की बात करें तो इसके इंटरनल मेमोरी 64GB होगी और एक्सपेंडेबल मेमोरी जो कि 128GB जो कि पुराने जियो फोन 2 में भी थी, इतनी तक होने की संभावना है। रिजोल्यूशन की बात करें तो 2MP प्राइमरी कैमरा होगा और इसके फीचर्स की बात करें तो डिजिटल जूम होगा जो कि जियो फोन 2 में भी आई थी। इसकी बैटरी की बात करें तो लाइथियम बैटरी होगी जिसकी कैपेसिटी 2800mAh तक होगी। और इसकी मुख्य बात इसकी प्राइस की कीमत, तो इसकी प्राइस जो होगी वो 4500 तक होगी। आज के लिए इतना ही। अगर कोई अपडेट्स या मोबाइल फोन के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी आती है तो मैं आपको जरूर सूचित करूंगा। फिर अभी ये मोबाइल फोन लॉन्च नहीं हुई है, इसलिए ये मोबाइल फोन अभी आपको नहीं मिलेगी, चाहे आप कितने भी सर्च मार लो। अगर ये मोबाइल फोन मार्केट में आती है मैं आपको वैसे ही सूचित कर दूंगा। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।